नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और सिरसा में आज कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें और इस रैली के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो पहुंच चुके हैं मंच पे। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि लोगों का अभिवादन है, वो स्वीकार कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और काफ़ी जो लोग हैं इस रैली में पहुंचे हैं, आपको रैली की तस्वीर दिखा दूँ, जो भीड़ की तस्वीर है वो हम आपको दिखा दें। और कांग्रेस की ओर से 25,000 कुर्सियाँ लगाने का जो दावा है वो किया गया है। हालांकि कुर्सियों से बाहर भी काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये जो ब्लॉक्स हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा, कई ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे बनाए हुए हैं और अंतिम छोर तक भी आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे नजर जा रही है काफी लोग ही लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और आज जो कि सिरसा है वो ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो है, उनका गढ़ कहा जाता है, उनका गृह क्षेत्र है ये जिला। और यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो बड़ी रैली करने जा रही है, क्योंकि करीब 90 दिनों का समय अभी शेष है, लोकसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले ये बड़ा जो है शक्ति प्रदर्शन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। और इस रैली में किसानों को श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है, वो किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनको जो है नमन है वो किया जा रहा है। तो तस्वीर दिखा रहा हूँ कितनी संख्या में जो लोग हैं वो इस रैली में पहुंचे हैं, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में जो तादाद में जो लोग हैं वो इस रैली में पहुंचे हैं। रोज हड़ताल रहती है, हमने सफाई कर्मचारी भर्ती की, आज तक कच्चे हैं, चौकीदार कच्चे हैं, मनरेगा के मेट कच्चे हैं, ये सारे आपके सामने। सवाल इस बात का ज्यादा समय लेना चाहता मैं, मेरे को इस बात का तकलीफ है, मेरे दिल में ये टीस है। 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में और कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था 2014 में। और इन 9 साल में भाई इन्होंने क्या किया, 9 साल में कहां से कहां पहुंच गए। आज हरियाणा किस चीज में नंबर एक है, आज नंबर एक है बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में और भाई अपराध में, ऊपरली 2-3 स्टेटों से आ रहा है। और खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है वो तो आपको मालूम ही है। तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं, कोई एक काम ऐसा नहीं है, अगर मैं ऐसा आदमी कोई अच्छा काम करते तो मैं इनकी बड़ाई करता, कोई एक ऐसा काम नहीं किया तो मैं इनको कह सुनी अच्छा किया। तो लूटने में लगे हुए, जैसे अभी चर्चा हुई, क्या इतना गठबंधन है ये, कहा जब गठबंधन बना तो इन्होंने एक कमेटी बनाई अधिनियम की अध्यक्षता में कि भाई कॉमन हम मैनिफेस्टो बनाएंगे, ये काम करेंगे। आज तक उसके मंडी की रिपोर्ट नहीं दिया, क्यों काम करना ही नहीं कुछ। जहां कर्जा 4.5 लाख करोड़ आज कर दिया, कहां जा रहा भाई पैसा, वो किसको कहां खर्च हो रहा है। मैं सिरसा में आया हूं, मेरा खुला सवाल है, उनके भी समर्थक होंगे, भाई एक काम बता दो सिरसा को है वो, कोई एक तो ये आपके सामने। अब सवाल आता है भाई, हम आए हैं, अब सवाल आप पूछ सकते हो भाई, आप आओगे तो आप क्या करोगे। बाकी जो चर्चा सब हो रही है, सब इस बात को समझ चुके, ये विफल सरकार है, ये किसी का भला नहीं कर सकती। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे भाई, मैं 5-4 बात बताता हूँ क्या क्या करेंगे। नंबर एक, तो जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती की ना, हमारी सरकार आएगी तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना, और जो हमारे समय में गैस का सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब 1,150 हो गई। तो हमारा ये फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो मेरी बहन बेटियां आई नहीं है, सब आजकल सब गैस पर रोटी पकाते हैं, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर देगा, 500 रुपए। इसी प्रकार से 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे भाई, 300 यूनिट की जो खर्च है काफी कम। इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट
फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और भाई जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा के मेट हैं, उनको पक्का करेंगे हम। हम ये कहेंगे वो बोल रखा है कौशल रोजगार निगम सिर्फ धोखा है युवाओं के साथ, धोखा, ना उनकी पेंशन ना पक्की नौकरी, ऐसे ही मतलब टाल रहे हैं। और उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछ नहीं सकते। खिलवाड़ की जा रही है हरियाणा के युवाओं के साथ, तो भाई वो तो खत्म कराएंगे हम। और जो हम हमारे फसल और फसल का ब्यौरा ये पहचान पत्र ये चला रखी है, ये सब लोगों को परेशानी का, कहीं पेंशन काट रहे हैं पहचान पत्र के नाम पे, कहीं राशन कार्ड काट रहे हैं, तो सब इनको इनसे छुटकारा देंगे। इसका जो हक है वो उसको हक हम देंगे। बाकी सवाल आया यहाँ, एक तो जो क्योंकि आज उन शहीदों की याद में इसमें कोई दो राय नहीं, सभी ने कहा, डॉक्टर केवी सिंह ने कहा, दीपिंदर ने कहा, भाई हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो किसान जो शहीद हुए हैं जिसका कंडेला में हमने दिया था, उनके भाई परिवारों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके परिवारों को एक नौकरी देगी और उनको शहीदी का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा देगी उन किसानों को, ताकि शहीद और कोई ना कोई स्मारक बनाएगी, छोटी शहीदी नहीं थी। अगर उनके सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो निर्देश निर्दोष किसानों को जो अपनी जायज मांग मांग रहे थे उनको मौत के घाट उतारने के सबसे बड़ी दोषी है, तो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार है। इन्होंने सड़कें बंद करी, इन्होंने इलाकियां चलाई, इन्होंने पानी की बौछारें लगाई, इन्होंने गोलियां चलाई, क्यों भाई गुनाहगार तो ये है ना। तो ये आपके बाद फिर दूसरी बात आई कि भाई वायदा क्या था, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और किसानों की इसका लेके मेरे को हमारी छोटी सी पार्टी ने कि भाई आप सुधार करो, तो जो फैसला हुआ था जो कांग्रेस अमल में लाएगी, मैं बता रहा हूं, फैसला ये हुआ था कि देश के किसान जो कर्ज में डूब रहे हैं उनको कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे और 6 लाख रुपए कर्जा माफी शुरू करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी गारंटी होगी और सारी फसलों की होगी। और यहाँ जहाँ तक लोकल सवाल है, मैंने कहा विकास सिरसा का, भाई मैं आया हूँ, आता हूँ यहाँ पर देखता हूँ, हमारी सरकार आई तो चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, 4 कमरे थे, आज देखो राष्ट्रीय स्तर पे कौन लेके आया भाई, हमने किया था ताकि यहाँ वो बोलो कोटू झील जहाँ सारा पानी आता, झील झील की खुदाई हमने करवाई, 2-4 फेजेस में होने थे, 2 फेज हमारे पूरे हो गए थे और डॉक्टर केवी सिंह उन्होंने तो उसके बाद इंदलन कर दिया, उस समय कई चैनल चलाए थे हमने खरीद के। और बाकी ये छोड़ दे, जैसे डॉक्टर केवी सिंह ने कहा भाई हमारी सरकार आएगी तो भाई 4 फेज पूरे किए जाएंगे और टूजी खुदाई करके नहर के पार क्या जो छोड़ जाएंगे यहाँ इंदा बोझ के। दूसरा यहाँ पर ज्यादा पैदा होता है बीटी कॉटन, उस टाइम हमारी शुरू हुई BT2, लेकिन अब पिट गई क्योंकि और बीज आ गए BT3 BT4 और इन्होंने सरकार जो BT2 पे बैठी है, हमारी सरकार आएगी तो BT3 और BT4 किया जाएगा ताकि किसान बालमवार हो। तो ये आपके सामने है, ये तो मोटी मोटी बात बताई है, लेकिन एक जो बात है आप भाई, क्योंकि ये सारे मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, आज सिरसा में जो आप कट हुआ है इतना जबरदस्त, बाहर सारा जाम सामने आया, जितने यहाँ आदमी उससे कई गुना बाहर थे, उसके दावे मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने 36 बिरादरी ने मन बना दिया है इस सरकार से छुटकारा पाने का, कांग्रेस की सरकार बनाया और वह मन ने भी मन बना दिया है। मैं भी संघर्ष में मेरी जीवन गया, एक और टक्कर लेने का इसी मेरा मन, मैं तो आपसे इजाजत लेने आया हूँ।
देने आया हूँ, आपकी इजाजत हो साथ दो तो एक टक्कर ले लो इनसे।